दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के एक छोटे से लेकिन बहुत ही खास आइलैंड के बारे में, जिसे लेकर अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी हंगामा मचा हुआ है, और इस आइलैंड का नाम है सेंट मार्टिन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं धीर टीवी। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड के इतिहास और भूगोल के बारे में। ये आइलैंड पहले टेक्नफ पेनिनसुला का हिस्सा था, लेकिन हजारों साल पहले समुन्द्र में डूब जाने से अलग हो गया। 18वीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों ने इसे जा जीरा नाम दिया, और फिर ब्रिटिश राज के टाइम पे इसे चिटागोंग के डेप्टी कमिश्नर के नाम पर इसको सेंट मार्टिन नाम दिया गया। इस आइलैंड का एरिया सिर्फ 3 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन ये 9 किलोमीटर लंबा और लगभग 1.2 किलोमीटर चौड़ा है। ये बांग्लादेश का इकलौता कोरल आइलैंड है, इसीलिए इसे नारिकल जंजीरा यानी कोकोनट आइलैंड भी कहते हैं। आइए अब इस आइलैंड के इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ के 3,700 से ज़्यादा लोग मेनली मछली पकड़कर और टूरिज्म पे अपना गुजारा करते हैं। यहाँ राइस और कोकोनट की खेती होती है। अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ एक टेम्परेरी होलसेल फिश मार्केट लगती है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये आइलैंड सोलर एनर्जी पर निर्भर है, क्योंकि 1951 के तूफान के बाद इसका नेशनल ग्रिड से कनेक्शन टूट गया है। और अब आइए बात करते हैं कॉन्ट्रोवर्सी की। दरअसल अमेरिका इस आइलैंड पर अपना कंट्रोल चाहता है, ताकि वो यहाँ एक एयरबेस बना सके, और इस एयरबेस से अमेरिका पूरे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर नजर रख सकेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका चाइना और इंडिया दोनों को कंट्रोल करना चाहता है, और इस आइलैंड से उसे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम शेख हसीना ने कहा है कि उन्हें पावर से हटाने के पीछे यूएस का हाथ है। हसीना ने कथित तौर पर कहा है कि अगर वो सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे देती तो वो पीएम बनी रहती। लेकिन अब शेख हसीना के बेटे ने इस रिपोर्ट्स का खंडन किया है। उनका कहना है कि उनकी मदर ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और अब आइए एक नज़र डालते हैं इस आइलैंड के जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस पर। सेंट मार्टिन आइलैंड से पूरे बंगाल की खाड़ी के और उसके आसपास के समुद्री इलाकों पर नज़र रखी जा सकती है। ये एरिया एशिया और अफ्रीका के बीच ट्रेड रूट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेस्टर्न कंट्रीज इस रीजन में एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया के कुछ पार्ट शामिल होंगे। इस आइलैंड पर कंट्रोल रखने से किसी भी देश को पूरे रीजन पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। और अब आइए जानते हैं इस आइलैंड की कुछ खास बातें। यहाँ कोई फ्यूल्ड बेस्ड व्हीकल नहीं चलती, सिर्फ साइकिल और रिक्शा हैं। बारिश के मौसम में ये आइलैंड मेनलैंड से बिल्कुल कट जाता है। यहाँ सिर्फ बोट और फेरी से ही पहुँचा जा सकता है। इस आइलैंड पर 9 गांव प्रति क्षेत्र हैं। यहाँ के होटल्स रात के 11 बजे तक ही जनरेटर चला सकते हैं, उसके बाद सोलर एनर्जी यूज होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में, जिसे लेकर अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। और अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। क्या अमेरिका को इस आइलैंड पर अधिकार मिलेगा? क्या बांग्लादेश अपने इस स्ट्रेटेजिक आइलैंड को किसी और देश के हाथ में जाने देगा? इन सारे सवालों के जवाब तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।